बीए भाग प्रथम भूगोल प्रायोगिक कक्षा में सभी भूगोल के विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले कुछ व्याख्यानों से आपको प्रायोगिक भूगोल में समोच्च रेखाओं द्वारा विभिन्न आकृतियों के प्रदर्शन के बारे में अभ्यास कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज के व्याख्यान में कॉनकेव स्लोप कॉनवेक्स स्लोप के बारे में आपको अभ्यास कराया जा रहा है। पिछले व्याख्यान में आपने ढालों के प्रदर्शन को किस तरह से बनाया जाता है उसमें समान ढाल और असमान ढाल के बारे में आपने अध्ययन किया था। समान ढाल समान दूरी पर बनी हुई समोच्च रेखाओं के द्वारा प्रकट होता है और असमान ढाल असमान दूरी पर बनी हुई समोच्च रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित होता है। कोण के स्लोप ज्योतिषा के नाम से स्पष्ट है, कौन केव, केव यानी गुफा होती है, जो गुफा के समान यानी अंदर दशा हुआ ढाल, जिसको कि हम अवतल ढाल भी कहते हैं हिंदी में, अवतल ढाल। तो अवतल ढाल की समोच्च रेखाएं कैसी होती हैं? अवतल ढाल की समोच्च रेखाएं बनाने के लिए 8x12 का एक ब्लॉक बनाइए और इस ब्लॉक में 6 सेंटीमीटर से इसको डिवाइड कीजिए बीच में से, और ये ए बी काट रेखा से हम इसको प्रदर्शित करेंगे, ए और ए बी। समोच्च इस समान ढाल की अवतल ढाल की समोच्च रेखाएं पहले नजदीक होती हैं, फिर उसके बाद इनकी दूरी बढ़ती जाती है, हंड्रेड 200, 3, 4, 5 और ये 6। ये 6 समोच्च रेखाएं हैं। हम आधार पर भी इसकी 6 रेखाएं बनाएंगे 0.88 मिलीमीटर से, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इस पे नंबरिंग कर देंगे 0, 100, 200, 300, 400, 500 and 600, 600 मीटर, क्योंकि यहाँ 6 समोच्च रेखाएं हैं। इसमें 100, 200, 300, 400, 500, 600 के नीचे आधार रेखाएं भी 600 बनाएंगे 6। और अब ए बी काट रेखा से जो कटान बिंदु है, स्पर्श बिंदु है, उन स्पर्श बिंदुओं से हम लंब खींचते चले जाएंगे और जो आधार रेखा जिसकी है वहां आकर छोड़ देंगे, जैसे ये 100 की, ये लंब है 200 का, तो 200 की आधार रेखा पर आगे छूट जाएगा। ये है 300 का, ये 300 पर आकर इसको छोड़ देंगे। यह है 400 का, ये 400 पे आगे रुक जाएगा। ये लंब है 500 का, ये 500 पर छूटेगा। और ये लंब है 600 का, ये 600 पर आगे छूट जाएगा। अब ये जो बिंदु आए हैं स्पर्श बिंदु, इनको हम मिलाएंगे इस तरह से, हाथ से वक्र से मिलाते हैं। ये इस तरह का जो ढाल बनता है, ये अंदर दशा हुआ, ये ढाल कोण के स्लोप कहलाता है, उत्तल ढाल कहलाता है। जैसे चश्मे में लगते हैं ना लेंस, अवतल और उत्तल, वैसे ही ये ढाल होता है। इस पर हम बीच में पेंसिल से या ब्लैक मार्कर से इसमें कलर भर देते हैं। इस तरह से ये अवतल ढाल की पार्श्व चित्र बनाया समोच्च रेखाओं की सहायता से। समोच्च रेखाओं को ए बी काट रेखा से कटान करके प्रत्येक समोच्च रेखा का लंब खींचकर और उसी आधार रेखा पर लाकर उसको छोड़ देते हैं, जिससे कि ये पार्श्व चित्र का निर्माण होता है।
ये कलर भर के बना दिया, ये हो गया कौन केव स्लोप। ऐसे ही ठीक इसका उल्टा होता है कौन वैक्स स्लोप उत्तल ढाल, ये ठीक कौन केव का उल्टा ढाल है, ये अंदर दसा हुआ है वो ऊपर उभरा हुआ ढाल रहता है। इसकी समोच्च रेखाएं बनाने के लिए इस 8x12 के ब्लॉक को 6 भागों में 6 सेंटीमीटर से आधे भाग में बांटिए और ए बी काट रेखा खींचिए। अब इसमें आपने समोच्च रेखाएं बनाई थी, पहले पास पास में थी और धीरे धीरे दूर होती गई, इसमें हम पहले दूर दूर समोच्च रेखाएं बनाते हैं फिर पास में होती चली जाती है। हंड्रेड 200 3 4 5 और ये 600 मीटर। यहाँ पर भी हम 6 समोच्च रेखाएं हैं तो नीचे आधार पर ही हम 6 समोच्च रेखाओं के लिए आधार रेखाएं बनाएंगे 0.88 सेंटीमीटर से 2 3 4 5 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 मीटर। इस स्लोप की भांति हम कॉन्वेक्स स्लोप का भी उत्तल ढाल का भी पार्श्व चित्र बनाएंगे। तो इसके लिए ए बी काट रेखा से जो स्पर्श बिंदु आ रहे हैं वहां से 90 डिग्री के कोण पर हम ये लंब खींचेंगे, ये 100 का, ये 200 की समोच्च रेखा का लंब 200 पर आकर छोड़ देंगे, ये 300 की समोच्च रेखा का लंब है जिसको हम 300 पर छोड़ देंगे, ये 400 की समोच्च रेखा का लंब है जिस पर हम 400 की समोच्च रेखा पर छोड़ देंगे, ये 500 की समोच्च रेखा का लंब है इसको हम 500 पर लाके छोड़ देंगे, और ये 600 की लंब रेखा है ये 600 पर लाके छोड़। अब हम हाथ से ही कर्व बनाकर इनको मिलाएंगे, ये जो स्पर्श बिंदु हैं इनको मिलाते हुए ये जो ढाल बना ये है उत्तल ढाल, इसमें हम पेंसिल भर देंगे। ये उत्तल ढाल इस तरह से बनाया जाता है, इसमें पहले रेखाएं समोच्च रेखाएं दूर दूर होती हैं और फिर पास पास में हो जाती हैं, ये उत्तल ढाल को प्रकट करती है। इसमें हम बीच में कलर या पेंसिल भर के इसको सुंदर और आकर्षक बनाते हैं, यानी ये जो समोच्च रेखाएं बनाई हमने इसको ए बी काट रेखा से ये पार्श्व चित्र बनाया, ये समोच्च रेखाएं इस प्रकार के ढाल को प्रकट करती हैं। पार्श्व चित्र से उसके वास्तविक स्वरूप के दर्शन होते हैं, यानी ये जो समोच्च रेखाएं वो किस प्रकार की आकृति की हैं इसको ए बी काट रेखा से हम पहचान जाते हैं, उसकी पहचान कर लेते हैं कि ये अमुक प्रकार की इस तरह करती है। जो ये समोच्च रेखाओं से हम बनाया ये पार्श्व चित्र, तो पार्श्व चित्र जो है उसका वो बहु वास्तविक रूप होता है, ये समोच्च रेखाओं के द्वारा इस स्थलाकृति को प्रकट किया गया। तो ये अवतल ढाल या उत्तल ढाल, आज के इस व्याख्यान में आपको ये दो ढाल के बारे में समोच्च रेखाएं बनाकर और इनका पार्श्व चित्र बनाकर समझाया गया है कि अवतल ढाल की समोच्च रेखाएं पहले पास पास में होती है और फिर दूर दूर होती चली जाती है, ये ठीक इसका उल्टा है, ये दूर होते हुए बाद में निकट होती चली जाती है, ये ढाल अंदर दसा हुआ होता है, ये ढाल ऊंचा उभार हुआ होता है, इसलिए ये उत्तल और ये अवतल, ये गुफानुमा ढाल होता है अंदर दसा हुआ। इस तरह का ढाल जो है बरखान में देखा जा सकता है, बरखान का आगे का मुख का अधोमुखी भाग अवतल होता है और ऊपरी मुखी भाग उत्तल होता है। आपको ये शीट बनानी है, इस एक शीट में 8x12 के ये दो ब्लॉक बनाएंगे,
इसको 6 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे। 6 सेंटीमीटर के आधे भाग में हम समोच्च रेखाएं बनाते हैं और ये भी काट रेखा से काट कर स्पर्श बिंदुओं से लंब खींचकर और नीचे के 6 सेंटीमीटर वाले भाग में हम पार्श्व चित्र बनाते हैं। ये जो आधार रेखाएं खींचते हैं ये जगह के अनुसार, जैसे 6 समोच्च रेखाएं हमारे पास, ये 6 सेंटीमीटर की रेखा है तो हम इसमें 7-7 मिलीमीटर या 0.77 सेंटीमीटर से 7, 1.4, 2.1, 2.8, 3.5 और 4.2 इस तरह से दूरियों पर ये स्केल से मार कर दूरियां खींच लेते हैं और ये आधार रेखाएं खींच कर और ये कटान बिंदु से हम नीचे की ओर लंब खींचते हैं, जो जिस ऊंचाई का लंब होता है उसी पे आधार रेखा पर इनको छोड़ देते हैं और नीचे आधार रेखाओं के स्पर्श बिंदु को हाथ से ही कर्व के द्वारा मिलाकर पार्श्व चित्र को पूर्ण किया जाता है। इस प्रकार ये एक शीट है, ये छठी शीट है। पहली शीट आपने बटी की शंकुआ का पहाड़ी और पठार, दूसरी शीट रिज और कटक यानी कटक और शेडल, और तीसरी शीट आपने गोर्ज और घाटी की, चौथी शीट पढ़ी थी आपने वाटरफॉल और क्लिप की, और पांचवी शीट यूनिफॉर्म स्लोप और अंडुलेटिंग स्लोप की, और छठी शीट बनेगी कॉनकेव स्लोप और कॉनवेक्स स्लोप की। इस प्रकार से ये टोटल अब तक 6 शीटें आपकी हो चुकी है। प्रतिदिन जो आपको अभ्यास कराए जा रहे हैं इनकी ये प्रायोगिक शीटें आप बनाते हुए चले जाइए, ये शीटें ही आपके आगे जाकर प्रायोगिक परीक्षा के लिए उपयोगी होगी। अगले आकृतियों को हम अगले व्याख्यान में समझेंगे, अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद।